वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जय हो शुरू। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त बिंदास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने बताया था आखिरी के 10 वीडियो हम आपको देंगे। ये 10 वीडियो आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएंगे, ये आपके लाइव नहीं होंगे। ये सेशन जो है आपका रिकॉर्डेड आएगा, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि रिकॉर्डेड के जो वीडियोज़ हैं आप बहुत अच्छे से कवर करोगे। और मैं बता रहा हूँ, ये एक वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वो इतने भी क्लासेस कर लेता है तो उसको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आपको इतने कर लोगे तो इतने से भी आप मैथ्स का सिंपल सा कट ऑफ पार कर लोगे। पहली चीज़ ये मत मान के चलना कि पेपर यही आ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे को लगते हैं हर साल की तरह कि इस साल भी आ सकते हैं, तो उनको हम कराने जा रहे हैं। ये 10 वीडियो आपके पास आएंगे, हर वीडियो में आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे। जितने जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी ये हम क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। अब तुम कहोगे सर 150 क्वेश्चन, आप तो 20 वीडियो बोलो तो 200 हुए। बेटा कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, लेंदी होते हैं, तो उनमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, समझ रहा कि भाई सर्किल है, ये वृत्त है, टच करेगा। तो इससे तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, हमसे ऐसा क्वेश्चन में रेडियस भी पूछ सकता है कि वृत्त का सेंटर निकालो। सेंटर के बाद दूसरा क्या पूछेगा, रेडियस निकालो, ठीक है। रेडियस के बाद मतलब केंद्र बताओ और त्रिज्या बताओ। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो दो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। अगर हमारे पास कोई वृत्त है और हमसे कहता है केंद्र बताओ, तो हम क्या करेंगे, एक्स का आधा करेंगे, वाई का आधा करेंगे। तो बेटा एक्स का आधा 2 आ गया, इसका आधा -2 आ गया। तो बेटा सेंटर होता है -g, -f, तो -2, 2। आई होप सबको आ गया। अगर हम रेडियस की बात करते हैं, अंडर रूट के अंदर g² + f² - c। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगी सी की वैल्यू आपके पास प्लस का 4 होगा, यहाँ पे प्लस का 4 कर लेना, ठीक है। तो ये 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो r = आपके पास आंसर आ गया 2। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि साहब सेंटर और रेडियस सब बराबर आ रहा है। अगर सेंटर और रेडियस सब बराबर आएगा तो ये बोथ एक्सिस को टच करेगी, मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस को टच करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अगर हमसे वृत्त का केंद्र कहे तो आई होप आप लोग केंद्र भी निकालोगे। त्रिज्या कहेगा तो भैया जी त्रिज्या भी निकाल लेंगे, आप लोग दोनों चीज़ें यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन तीन चीज़ें कन्फर्म कर रहा है, सेंटर, रेडियस, उसके बाद आपके पास अगर कोई वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो वो चीजें भी कंफर्म हो गई। मतलब एक क्वेश्चन से तीन शिकार, एक तीर से तीन शिकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, समीकरण द्वारा दर्शाया गया वृत्त एक बिंदु है। अब हम बात करते हैं वृत्त की कंडीशन पे। वृत्त की कंडीशन पे समझना, अगर कोई वृत्त की त्रिज्या ग्रेटर देन 0 है, त्रिज्या लेस देन 0 है, त्रिज्या = 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो सर्किल पॉसिबल होगा, लेस देन 0 है सर्किल पॉसिबल नहीं होगा, = 0 है तो सर्किल पॉइंट होगा। उसने कहा क्या है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट के लिए हमारे पास r 0 होना चाहिए। r निकालने का तरीका बता दिया है, अंडर रूट के अंदर g² + f² - c = 0। तो g² + f² = c। तो कोई कंडीशन है, आप देखो g² + f² = c। ए इज़ योर राइट ऑप्शन, ए नंबर आपका एकदम सही जवाब है। तो भैया जी यहां तक आ गया, ए नंबर आपका सही जवाब। आगे चलें, तीसरा नंबर, यदि समीकरण, पिछला क्वेश्चन समझ में आया, पिछले से भी ये 20 क्वेश्चन नहीं, ये 60 कॉन्सेप्ट हैं। पिछले से भी हमने 3 कॉन्सेप्ट समझे, r > 0 है, r < 0 है, r = 0 है। अब समझना, अब समीकरण एक सर्किल बनाता है, तो मेरे भाई एक चीज़ याद रखना, अगर कभी भी ये सर्किल बनता है, अगर कभी भी ये सर्किल बनता है तो p = यानी कि x² का गुणांक बराबर y² का गुणांक होना चाहिए, ठीक है। ax² by square 2gx 2fy 2hxy + c = 0। इसमें याद रखना a = b होना चाहिए और h = 0 होना चाहिए, a = b होना चाहिए और h = 0 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम एक काम करें, x² का गुणांक y² के गुणांक के बराबर होगा, तो p = 3 आ गया, xy का गुणांक बेटा 0 होगा, 2 - q = 0, तो q = 2 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर p = 3 q = 2, तो p और q की वैल्यू पूछा था, 3 और 2 आ जाएगी। क्लियर हुआ? मतलब अगर कोई वृत्त एक
कोई इक्वेशन है, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का समीकरण। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सर्कल बनाती है तो हमारे पास ए बराबर बी और एच बराबर जीरो होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं चौथे नंबर पे। अब देखो कह रहा है एक्स एक्सिस को यहां पे स्पर्श कर रहा है, वाई एक्सिस को यहां पर स्पर्श कर रहा है, इसकी रेडियस क्या है? समझते हैं, अगर कोई सर्किल इस तरीके से है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यहां पे और वाई एक्सिस को टच कर रहा है यहां पे, तो इसकी रेडियस पूछ रहा है। तो उसने पूछा एक्स एक्सिस को 0.3 पर टच करता है, मतलब ये बिंदु क्या होगा, ये 3.0 होगा, ये बिंदु क्या होगा, ये 0.3 होगा। तो यार ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो सेंटर भी कितना होगा, 3.3 होगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ गया, 3, और त्रिज्या भी 3 होगी। इसी में हम तुम्हें एक केस और समझाते हैं, हमसे कह देता अंताखंड काटता है, क्या काटता है, अंताखंड काटता है। तो याद रखना अगर वृत्त जो है इस तरीके से अंताखंड काटेगा 4 और 6, तो इसका केंद्र हो जाएगा अंताखंडों का आधा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया कि अगर वृत्त अंताखंड काट रहा है तो उसका जो सेंटर होता है अंताखंडों का आधा होता है, इंटरसेप्ट में सेंटर जो है अंताखंडों का आधा हो जाएगा। भैया जी ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन। अभी हमने तुमको बताया कि अगर ये समीकरण एक वृत्त निरूपित करता है, ये समीकरण वीडियो पूरा देखना क्योंकि इसमें अभी हमने पैराबोला भी इंक्लूड कर रखा है, तो वीडियो में बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी कोई भी फालतू की बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात करें ए बराबर बी, ए बराबर बी, अभी हमने तुमको बताया ए बराबर बी होगा और एच बराबर जीरो होगा, ए बराबर बी होगा एच बराबर जीरो होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, या तो हमसे ये कहेगा बताओ ये पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स बना रहा है, तो वो कंडीशन भी हम आपको आगे कराने वाले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन छठवां नंबर, हमसे कह रहा था वैल्यू ऑफ सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझना। अगर हम बात करें वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है, एक वृत्त है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को टच करेगा, अगर ये इसको टच करता है तो कंडीशन होती है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। इसमें आपको टेंजेंट कंडीशन भी याद रखनी है, नॉर्मल कंडीशन भी याद रखनी है। ठीक, हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा m बराबर बेटा कितना आया, m बराबर 2 आ गया, c बराबर c है, a बराबर 4 आ गया। तो हमसे उसने पूछा कि स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन पूछ रहा है, सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 16 हो गया, 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 एक 5 16 25 80, ठीक है, 16 25 80 यानी 4√5, आपका कोई ऑप्शन 4√5। भैया जी समझ में आ गया, अगर कोई वृत्त किसी रेखा को स्पर्श करता है तो कंडीशन होती है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो कौन कौन सी चीजें कवर हो गई, सर्किल की रेडियस कवर हो गई, सर्किल का सेंटर कवर हो गया, सर्किल किस कब एक्स एच को टच करता है, वाई एच को टच करता है, सर्किल के इंटरसेप्ट कवर हो गए, अगर हमारे पास द्विघात समीकरण सर्किल कैसे बनाता है वो कवर हो गया आपका, अगर कोई लाइन सर्किल को टच कर रही है तो वो कवर हो गया, 6 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। आगे चलते हैं सातवां, अब हमसे कहता है अंताखंडों की लंबाई बताओ। ठीक है, हमसे ये भी कह देता कि एक्स एच को स्पर्श कर रहा है तो कंडीशन बताओ, एक्स एक्सिस को स्पर्श करने की कंडीशन बताओ, ठीक है, करने की कंडीशन, वाई एक्सिस को स्पर्श करने की कंडीशन। तो ये भी हम लिखा दे रहे हैं, अगर वृत्त एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है, अगर वृत्त एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है तो याद रखना जो इसकी रेडियस है, बेटा ये एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, किसके बराबर होगी, के बराबर होगी। अगर ये वाई एक्सिस को स्पर्श करता है तो इसकी रेडियस बेटा एच के बराबर होती है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करें इसकी अंताखंड, तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट आता है 2√g² - c, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट आता है 2√f² - c। क्लियर, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, इन पे बेस न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, कह देगा इसके न्यूमेरिकल्स बताओ तो आप लोग न्यूमेरिकल्स भी कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण एक वृत्त बनाएगा। अभी हमने तुमको बताया कि अगर ये सर्कल बनाएगा तो एक्स स्क्वायर गुणांक वाई स्क्वायर गुणांक भैया जी बराबर होते हैं, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 9 है और यहां से कितना है माइनस के है, वाई स्क्वायर गुणांक यहां कितना है 1 है और यहां से क्या है प्लस का के है, बेटा के 2k आ जाएगा, 9 × 1 = 10 आ गया, के का मान 5 आ गया। ठीक है, के का मान कितना आएगा 5 आ जाएगा, अच्छा 9 में से 1 गया ये आ गया 8, तो के का मान 4 आ जाएगा, राइट ऑप्शन डी नंबर। फिर से समझना एक्स स्क्वायर के गुणांक 9 और एक
ये आ गया वाई स्क्वायर गुणांक एक, और ये इधर आ गया, दोनों बराबर करके हमने सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ये एक हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको इससे एक कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए। ये हमसे कहता है वृत्त के व्यास के सिरे हैं, बेटा जी समझना, वृत्त के व्यास के सिरे हैं एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। तो इक्वेशन हो जाती है हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू बराबर जीरो, वाई माइनस वाई टू बराबर जीरो, जिसके सेंटर होंगे एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, याद रखना ठीक है। ये सेंटर हो गए, हमसे कहता रेडियस बताओ, तो रेडियस क्या होती, अंडर रूट के अंदर एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। त्रिज्या पूछता तो इनके बीच की दूरी का आधा। कभी कभी ये भी कह देता है कि दो व्यास दे रखे हैं, दो व्यास दे रखे हैं, केंद्र बताओ, तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है। अब समझ रहा, हमने कहा ठीक है, तो एक्स वन हमारे पास कितना मिला, 5 मिल गया, एक्स टू कितना मिल गया, 1 मिल गया, वाई वन कितना मिल गया, 7 मिल गया, वाई टू कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो सेंटर क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, ठीक है, यानी कि 3 आ गया, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, तो बेटा 7 4 11/2 आ गया। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, त्रिज्या पूछा है, तो अंडर रूट के अंदर एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर 16, 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, ठीक, तो ये आ गया अपॉन 2, यानी कि 5/2। बेटा जी समझ में आया, फिर से समझते हैं, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। हमसे कह रहा था इस फॉर्म में समीकरण दिया है, ये होता है व्यास के रूप में रेखा का समीकरण, तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, सेंटर निकालना था तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, रेडियस निकालना है इनके बीच की दूरी का आधा। तो हमसे उसने बोला कि भैया जी रेडियस बताओ, तो रेडियस के लिए हमने इनके बीच की दूरी निकाली, उसका हमने आधा कर दिया, क्लियर है। आगे देखते हैं दसवां नंबर क्वेश्चन। हमसे कह रहा है ये दोनों वृत्त आपस में लंबवत काटे हैं। दो कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है कि दो वृत्त आपस में स्पर्श करें। सबसे पहले तो अगर ये स्पर्श करेंगे तो C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। याद रखना अगर दो वृत्त आपस में स्पर्श करें और आपस में अब ये लंबवत काट रहे हैं, इनके बीच एंगल 90 डिग्री का है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, तो टू G1 G2 प्लस 2 F1 F2 बराबर C1 प्लस C2, ठीक है, बराबर C1 प्लस C2, ये हमारे पास कंडीशन होती है। जहां पर सबसे पहले अगर हम इस वृत्त को लें तो इससे G1 मिलेगा, G1 कितना मिला, लैम्डा मिला, क्यों, x का आधा, इससे G2 मिला, इससे F1 मिला, F1 मिला 3 मिला, और C1 हमारा 1 मिल गया। दूसरे समीकरण को ले लें तो G2 बराबर, बेटा हमने कहा 4 का आधा 2 हो गया, F2 बराबर 1 हो गया, C2 बराबर 0 हो गया, यहाँ तक क्लियर। हमने कहा 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 बराबर C1 प्लस C2, तो भैया कितना आया, 4 लैम्डा बराबर -5, लैम्डा बराबर -5/4, समझ में आया। अगर सर्किल स्पर्श करते तो सेम सिचुएशन करते, केंद्रों के बीच की दूरी होती है, त्रिज्याओं का योगफल होता है, लेकिन उसने कहा लंबवत काटते हैं तो हमने लंबवत वाली कंडीशन लगा दी। यहां तक क्लियर है आगे देखते हैं, अब आ रहा है ये समीकरण क्या बनाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 आ जाए और कह दे कि भैया ये क्या बनाएगा, तो सबसे पहले h स्क्वायर माइनस ab बराबर 0 आ जाए, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आ जाए, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ जाए। अगर ये 0 आ जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, पैराबोला होता है, यानी कि परवलय होता है, ये क्या होता है, परवलय होता है। अदरवाइज ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन है तो अति परवलय, और ये हो जाएगा दीर्घवृत्त, इसको बोलते हैं हाइपरबोला और इसको बोलते हैं एलिप्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसने हमसे बोला अब ये क्या बनाएगा, हमने कहा कोई बात नहीं, ए बराबर बेटा 1 है, बी बराबर 2 1 है, एच बराबर -1 है। हमने कहा एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ रहा है, तो जैसे ही 0 आ रहा है तो तुरंत तुम्हें समझ में आ गया ये क्या होगा, पैराबोला होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है।
आगे चलते हैं 12 नंबर, परवलय की फोकस मतलब नाभि, ठीक है, और समीकरण, द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, और नाभि और नियता का समीकरण बेटा होगा ये क्या होगा, ये नियता का समीकरण है, नियता का समीकरण। अब समझो वाई स्क्वायर बराबर -12x, एग्जाम में आते ही ये क्वेश्चन फॉर्मूले हो जाते हैं गायब, हमको याद ही नहीं रहता। मैंने आपको बताया था कुछ ना करो, 4a बराबर लिख लो 12, a बराबर 3। तुम कहोगे साहब निगेटिव नहीं लिया, ये निगेटिव सिर्फ ये दिखाता है कि हमारे पास जो एक्सेस है वो कौन सा है, ठीक है। हमने कहा यहाँ सिंगल पकड़ो एक्स है, तो इसका एक्सेस कौन सा है, एक्स एक्सेस है, ठीक। अब जितनी भी चीज़ें होंगी एक्स एक्सेस पे होंगी, तो नाभि कितनी होती है, एक्स एक्सेस पे होगी, तो 3,0 वो भी माइनस का, ये हो गई नाभि। बस निगेटिव यहां काम आता है, निगेटिव यहां हम कंसीडर ना करके यहां कंसीडर करते हैं, ठीक। नियता अगर याद रखना बेटा, ना भी पॉजिटिव आती है तो नियता आपकी निगेटिव आती है, ना भी पॉजिटिव आती है नियता आपकी निगेटिव आती है, तो नियता क्या होगा, एक्स बराबर -3 आ गया, नियता क्या आ गई, एक्स बराबर +3 आएगा, माइनस नहीं कर देना, ठीक है, एक्स बराबर +3 -3,0। समझ में आया मेरे भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताए, आई होप नहीं होगी। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, परवलय के अक्ष का समीकरण। ये क्वेश्चन में दो तीन चीजें मैं बताऊंगा, हमसे कह देता परवलय का अक्ष बताओ, परवलय का नाभिलंब बताओ, या फिर परवलय का शीर्ष बताओ, ठीक है। कभी भी ऐसा है, सबसे पहले हम अक्ष की बात करते हैं, अक्ष के लिए डबल वाले का डिफरेंशिएशन, डबल वाला टर्म पकड़ो dy/dx। अब कहोगे साहब डबल कौन है, डबल ये है जो एक ही ग्रुप में आते हैं, वाई स्क्वायर 6y, डिफरेंशिएट कर दो, वाई स्क्वायर का 2y +6 = 0, तो y +3 = 0, तो बेटा आया कि नहीं आया, तो y बराबर -3, ये हो गया एक्सिस, ये क्या हो गया एक्सिस। लेकिन कह दे नाभिलंब बताओ, तो मेरे भाई नाभिलंब होता है जो सिंगल है वही होता है, नाभिलंब क्या है, जो सिंगल है वही होगा, तो सिंगल कौन है यहाँ, एक्स सिंगल है, याद रखना निगेटिव कभी लेंथ होती नहीं है, तो एक्स बराबर प्लस दो, अगर ना भी लंबा आएगा तो एक्स बराबर +2 हो जाएगा। आई होप क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर, परवलय पर एक बिंदु की फोकस दूरी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखो पैराबोला के कॉन्सेप्ट यहां से रेडी हो गए, कि ये तुम्हारा हो गया एक्सेस निकालना, ये हो गया नाभिलंब निकालना, यहां से हम कैसे पहचानते हैं कि परवलय की फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी फोकल डिस्टेंस, याद रखना पैराबोला की जो फोकल डिस्टेंस होती है वो होती है x1 + a, क्या होती है बेटा, x1 + a। यहां पे हमने सबसे पहले 4a बराबर 12 किया, तो a बराबर बेटा कितना आया, 3 आ गया, तो उसकी फोकल डिस्टेंस होती है x1 + a बराबर 4, तो x1 = 1 आ गया बेटा। ये होता है भुज, ये क्या होता है भुज, जिसको बोलते हैं एब्सिसा। अगर कहता इसकी ऑर्डिनेट बताओ, तो इसको उठा के हम यहां रख देते तो इसकी ऑर्डिनेट आ जाती, ठीक है, क्लियर है। याद रखना फोकल डिस्टेंस जो होती है वो x1 + a होती है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, परवलय के पैरामेट्रिक फॉर्म। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट ये भी बन जाता है कि पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म होती है x बराबर 80² और y बराबर 280, ठीक है। तो हमने कहा साहब बताओ, अब जैसे तुमने इसको किया तो x बराबर कितना है, x + 1 बराबर a का मान 1 आ जाएगा, 1 कैसे आया, 4a बराबर 4a, a बराबर 1, तो at² तो t², तो x निकालो t² - 1, एक ये आ गया, ठीक है। आप चाहो तो यहीं से आंसर निकाल सकते हो, एक ही ऑप्शन दे रखा है, दूसरा भी निकाल के दिखा देते हैं, y - 1 = 280 आ गया, तो y बराबर कितना आएगा, 1 + 280, तो y की वैल्यू 2t + 1 आ गया, 2t + 1 आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए अपन लोग 15-15 लेके चलते हैं, दूसरा वीडियो आपके पास सुबह 7 बजे, यानी कि 4 दिन के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे 150 पूरे पूरे, ठीक है। तो आई होप कैसा लगा क्लास बताइएगा ज़रूर, और तुम्हें इसमें और क्या चाहिए, और डेप्थ चाहिए, और फॉर्मूले चाहिए तो हमें बताना, तो हम आपको और डेप्थ और फॉर्मूले पहुँचा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।